प्रोस्टेट की समस्या में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट पुरुषों में अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो वीर्य बनाती है और शुक्राणु को पोषण देती है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर होता है या इसका आकार बढ़ जाता है तो इसका विकास धीमा हो जाता है और मूत्र संबंधी समस्याएं होती है। इस वीडियो में हम आपको प्रोस्टेट की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक उपायों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। प्रोस्टेट नॉर्मल कितना साइज का होना चाहिए? प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज 18 से 20 ग्राम होता है। बढ़ती उम्र के साथ इसके आकार में 2.3 ग्राम की बढ़ोतरी होती है। यदि इस समस्या से ग्रस्त किसी व्यक्ति का प्रोस्टेट का आकार 100 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाए तो यह किडनी के लिए घातक होता है। प्रोस्टेट की समस्या में क्या खाएं? टमाटर और तरबूज। प्रोस्टेट की समस्या वाले व्यक्ति को अपने भोजन में टमाटर और तरबूज का सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से टमाटर तरबूज का सेवन प्रोस्टेट की समस्याओं को कम कर देता है। टमाटर तरबूज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन फायदेमंद होता है जो प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है। कद्दू के बीज। प्रोस्टेट के बढ़ने और पेशाब में दिक्कत की समस्या में कद्दू के बीज का सेवन करना फायदेमंद होता है। कद्दू के बीज में भरपूर जिंक होता है जो शरीर के रोग प्रतिरोधी तंत्र की मरम्मत करता है और उसे मजबूत बनाता है। कद्दू के बीज में बीटा सिटिस्टिरोल नाम का रसायन भी होता है जो प्रोस्टेट की सभी समस्याओं को दूर करता है। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्रोस्टेट की समस्या में क्या नहीं खाएं? फैट और चिकनाई वाला भोजन कम से कम करें। रेड मीट के सेवन से परहेज करें। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से दूर रहें। प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या में चाय, कॉफी, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि का सेवन न करें। प्रोस्टेट की समस्या का आयुर्वेदिक इलाज। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल प्रोस्टेट की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावशाली आयुर्वेदिक उपचार है। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल में जड़ी बूटियां होती है जो प्रोस्टेट के आकार को बढ़ने से रोकती है एवं प्रोस्टेट रोग की समस्याओं से बचाती है। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल सभी उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन या वृद्धि का इलाज करती है। यह आयुर्वेदिक कैप्सूल्स प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार कर इसके कार्यों को बढ़ावा देती है। यह आयुर्वेदिक उपचार स्खलन बल में सुधार और वीर्य की मात्रा में वृद्धि करता है। यह मूत्र संबंधी सभी समस्याएं जैसे दर्द, जलन या पतली मूत्रधारा आदि को दूर करता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए प्रोस्टोक्यो कैप्सूल अत्यंत प्रभावशाली है जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाने में सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। गदूद बढ़ने की प्रारंभिक अवस्था में इस कैप्सूल के सेवन से प्रोस्टेट स्वास्थ्य में तेजी से फायदा मिलता है। यह आयुर्वेदिक उपचार प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण होने वाले नुकसान से गुर्दे और मूत्र प्रणाली के अन्य अंगों की सुरक्षा करता है। एक बार जब ग्रंथि अपने सामान्य आकार में वापस आ जाती है तो यह उचित तरीके से काम करना शुरू कर देती है जिससे पुरुष अपनी शक्ति और पौरुष को पुनः प्राप्त कर लेता है। बुजुर्ग पुरुषों द्वारा इन सप्लीमेंट्स का उपयोग ग्रंथि के बढ़े हुए आकार या सूजन को कम करने के साथ प्रोस्टेट को बढ़ने से रोकता है। यह सभी उम्र के पुरुषों के लिए उपयुक्त है और पूरे पुरुष प्रजनन प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह पेशाब के साथ वीर्य की समस्या, पेशाब का टपकना या वीर्य की कमी जैसी समस्याओं का इलाज करने में भी अत्यंत प्रभावशाली है।
प्रोस्टोक्यो कैप्सूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। निष्कर्ष। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जैसे गोक्षुरा, शतावरी, इलायची आदि। यह जड़ी बूटियां प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने से रोकती है और यह प्रोस्टेट संबंधी सभी समस्याओं से निपटने में अत्यंत फायदेमंद है। प्रोस्टेट की समस्या का आयुर्वेदिक इलाज। सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित। 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक। GMP प्रमाणित गुणवत्ता। संपूर्ण भारत में उपलब्ध। Buy Prostokyo capsules from AyushRemedies.in। प्रोडक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें।